हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्लेसिफाई चैनल के एक और बेहतरीन कंपैरिजन वीडियो में। आज की इस पर्सन कंपैरिजन स्पेशल वीडियो में हम अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन को चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ कंपैरिजन करने वाले हैं। दोस्तों, यह दोनों भी दो बड़े देशों के पॉलिटिकल लीडर है, इसलिए इन पर हर फैसले और हर कदम का दबाव ज्यादा होता है और इनकी एक गलती देश की हालत को बदल कर रख सकती है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो के जरिए इन दोनों के बीच डिटेल कंपैरिजन करते हैं और जानते हैं कौन है ज्यादा पावरफुल। दोस्तों, कंपैरिजन की शुरुआत इन दोनों के पर्सनल लाइफ से करते हैं। बरादर जो बाइडेन का जन्म 20th नवंबर 1942 में अमेरिका के पेंसिल्वेनिया स्टेट में हुआ था। इनके पिता जोसेफ रॉबर्टन बाइडेन सीनियर पेशे से एक तेल के व्यापारी थे और उनकी माँ कैथरीन यूजेनिया फिनेगन एक हाउसवाइफ थी। बाइडेन के फैमिली में दो भाई और एक बहन भी है और इन चार भाई बहनों में वे सबसे बड़े हैं। बाइडेन ने 1966 में नीलिया हंटर के साथ शादी की थी, लेकिन एक सड़क हादसे में 1972 में इनकी मौत हो गई थी। बाद में 1975 में बाइडेन ने जिल ट्रेसी जेकब्स के साथ दूसरी शादी की थी। बता दें, बाइडेन का पूरा जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा है। बाइडेन के एक बेटी की मौत उसी सड़क हादसे में हुई थी जहां उनके पहले पत्नी की मौत हुई थी। वहीं उनके एक बेटे की मौत ब्रेन कैंसर की वजह से हुई थी। आज बाइडेन को दो बच्चे हैं जिनका नाम है हंटर और एशली। वही दूसरी ओर शी जिनपिंग का जन्म जो बाइडेन के 11 साल बाद 58 जून 1953 में चाइना की कैपिटल सिटी बीजिंग में हुआ था। उनके पिता शी जॉन्गसन चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के एक पॉलिटिकल लीडर थे। वही उनकी माँ ची शिन भी कम्युनिस्ट पार्टी की मेंबर थी। शी जिनपिंग को एक भाई भी है जिनका नाम है शी युआन पिंग। शी जिनपिंग ने 1980 में के लिंगलिंग के साथ शादी की थी, लेकिन कुछ ही सालों में उनका डिवोर्स हो गया था। बाद में 1987 में शी ने चाइनीज फोक सिंगर पेंग लियोंग के साथ शादी की और आज उनकी एक बेटी भी है जिसका नाम है शी मिंग। क्वालिफिकेशन की बात करें तो जो बाइडेन पढ़ाई लिखाई में काफी अच्छे नहीं थे, लेकिन वे रग्बी और बेसबॉल इन दो खेलों में काफी अच्छे थे, जिस कारण उनमें बचपन से ही लीडरशिप की बेहतरीन क्वालिटी थी। बाइडेन ने अपने प्राथमिक पढ़ाई के बाद 1965 में बैचलर ऑफ आर्ट्स और 1968 में सिराक्यूज यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लॉ से जूरिस डॉक्टर की डिग्री हासिल की। वही दूसरी ओर शी जिनपिंग की स्टूडेंट लाइफ काफी कठिन रही है। जब वो हाई स्कूल में थे तब उन्हें रिमोट फार्मिंग कॉलेज में 7 सालों तक काम करने के लिए भेज दिया गया था, जहां उन्होंने खुद को संभाल कर विलेजर्स के साथ अच्छे संबंध बनाए और वहीं से उनमें लीडरशिप की क्वालिटी डेवलप हुई। फिर उन्होंने 1979 में बीजिंग की सिंगहुआ यूनिवर्सिटी से केमिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। चलिए दोस्तों, इन दोनों राष्ट्रपतियों के पॉलिटिकल करियर की ओर ध्यान देते हैं। बर्थडे ग्रेजुएशन के बाद जो बाइडेन नॉर्थ कैलिफोर्निया के विल्मिंगटन शहर रहने आ गए, जहां उन्होंने लॉ फर्म में जॉब करना शुरू किया और साथ में डेमोक्रेटिक पार्टी के एक्टिव मेंबर बने। बाइडेन को शुरुआत से ही स्पीच देने का बहुत शौक था, लेकिन वह अपनी हकलाने की समस्या की वजह से स्पीच देते हुए ठीक से बोल नहीं पाते थे। लेकिन बाइडेन ने अपनी इस समस्या को ठीक करने के लिए बहुत मेहनत की और फिर 1970 में वो न्यू कैसल कंट्री काउंसिल के काउंसिलिंग मैन बने। फिर 1973 से 2009 तक उन्होंने अपने सेनेट करियर में बहुत ज्यादा प्रशंसा हासिल की। साथ ही 2008 के यूएस प्रेसिडेंसी इलेक्शन में ओबामा बाइडेन की जोड़ी चुनाव जीत गई और जनवरी 2009 में जो बाइडेन यूनाइटेड स्टेट्स के 47th वाइस प्रेसिडेंट बने और हाल ही में वे 2020 का प्रेसिडेंसी इलेक्शन जीतकर 20 जनवरी 2021 के दिन वे यूनाइटेड स्टेट्स के 46th प्रेसिडेंट बने हैं। अब बात करें शी जिनपिंग के पॉलिटिकल करियर की, तो दोस्तों बता दें, शी जिनपिंग के पिता शी जॉन्गसन ने तब के कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर माओ जेडोंग के खिलाफ कल्चरल रिवॉल्यूशन के कारण विरोध किया था और इसलिए उन्हें कम्युनिस्ट पार्टी से निकाल दिया गया था और उन्हें जेल में डाल दिया गया था, जिस कारण शी जिनपिंग को भी कम्युनिस्ट पार्टी में एंट्री नहीं मिल रही थी।
और उनका कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन करने का एप्लीकेशन 10 बार रिजेक्ट भी किया गया था। लेकिन कई असफल प्रयत्नों के बाद 1974 में शी जिनपिंग को कम्युनिस्ट पार्टी में एंट्री मिल गई। फिर 1979 से 1982 तक उन्होंने सेंट्रल मिलिट्री कमांड में वाइस प्रीमियर का पद संभाला। फिर उनके करियर में कई उतार चढ़ाव आते गए और वो दिन ब दिन चाइना के एक पावरफुल पर्सनैलिटी बनते गए। 15 नवंबर 2012 के दिन शी जिनपिंग को चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के चेयरमैन के रूप में चुना गया और 14 मार्च 2013 के दिन शी जिनपिंग पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के प्रेसिडेंट बने थे। अगर नेटवर्थ की बात करें तो एक रिपोर्ट के मुताबिक जो बाइडेन का नेटवर्थ आज 2021 में करीब 9 मिलियन US डॉलर्स है, वही दूसरी ओर शी जिनपिंग का नेटवर्थ करीब 1 मिलियन US डॉलर्स है। साथ ही बता दें जो बाइडेन को सालाना 4 लाख US डॉलर्स यानी कि करीब 3 करोड़ रुपए सैलरी के तौर पर मिलते हैं, वही शी जिनपिंग को सालाना 22,000 US डॉलर्स यानी कि 17 लाख रुपए सैलरी के तौर पर मिलते हैं। दोस्तों, दुनिया के दो बड़े देश यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना के प्रेसिडेंट्स की बात हो रही है तो उनके पावर के बारे में बात ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो बता दे Forbes.com के एक रिपोर्ट के मुताबिक चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग इस दुनिया के सबसे पावरफुल व्यक्ति है। वही जो बाइडेन हाल ही में यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट बने हैं और शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन के बाद दुनिया के तीसरे सबसे पावरफुल व्यक्ति है। आपकी जानकारी के लिए बता दें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस लिस्ट में 9वें नंबर पर है। तो दोस्तों, आपको किनका व्यक्तिमत्व सबसे अच्छा लगा, जो बाइडेन या फिर शी जिनपिंग, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द वीडियो में आपके लिए आज का क्वेश्चन है कि शी जिनपिंग किस साल में चाइना के प्रेसिडेंट बने थे। इस क्वेश्चन का आंसर इसी वीडियो में छिपा हुआ है। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर जानते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको जो बाइडेन और शी जिनपिंग के बीच का ये कंपैरिजन वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं एक ऐसे इंटरेस्टिंग कंपैरिजन वीडियो के साथ एक नई वीडियो में। हमारा यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।